ओम श्री बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म श्री काल भैरवाय फट स्वाहा। ओम हंसम नमदम कंसम खम श्री महाकाल भैरवाय फट स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय नमः 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 स्वाहा। घर में जाते आई देखा है कुछ डर लगता है देवताओं के साथ प्रेत चला हुआ है उसमें कहीं दिखाया कुछ बताया दिक्कत है और भी किसी घर में सबको दिक्कत है सास को दिक्कत ना हुई अब से पहले सबको दिक्कत है घर में काम भी उनका ऐसा ही हो रहा है वो भी हीरा से बधिया हो रहे हैं उपाय बताए करने से क्या हो रहा है उपाय करे तो इसके घर वाले कहें पास करें इसका बचाव रहेगा इस पर चोट नहीं करेगी उसके लिए उपाय बता दिया जाएगा निकालना आसान नहीं है तो लोग मानेंगे नहीं जिसकी किस्म के लोग हैं नहीं तो पूछ लो इससे तू अपना उपाय करवा दो नानक चंद कहाँ है बैठे बोल रहे तो बोल ही नहीं आगे बैठ गए नानक चंद जो फसल हो गए है उसमें बीमारी लग गया है जो फसल हो गए तो फिर बीमारी है तुम्हारी तो घरवाली है तुम्हारी में खड़ी में चलना चाहती है बार बार तुम्हें दर्शन देती है पर बहुत से रूपों में दे रहे तो उसको डराती भी है लेकिन वो आजाद नहीं है बंधन में है किसी के तो इसके रूप बदल के वो जैसा आदेश आता ना है कि ऐसे डरा वो तो भले में चलना चाहती है लेकिन जो उसको जितने दबाव में ले रखा है वो तुम्हारा भला नहीं चाहता समझते यहाँ पहले तो बंधन से छुड़ाओगे होगी वो आपकी पत्नी को बंधन करके जबरदस्ती चलाया जाता है अगर वो तुम्हारे भले में ना होती तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता राजन के बारे में बताइयो फिर भारी हुआ इसका शरीर भारी हुआ डर हुआ था ना सिर में भारीपन हुआ भी भारी हुई सारा शरीर ऐसा हो गया था जैसे दुखा दुखा था बाहर से यही सर बता दो सुख पार यू जो फिर भी ऐसा है बहू कहना नहीं मानती है मिल हवा में हवा मिली है आगे एक में चार हो गए ओम श्री काल भैरवाय नमः सच्चे दरबार ओम श्री काल भैरवाय नमः Oh, my God.